नमस्कार, आप देख रहे हैं अलौकिक भारत न्यूज नेटवर्क। आपके साथ मैं हूं नेहा अंकुरवालिया। बात लव जिहाद से जुड़ी। लव जिहाद के छिड़ी बहस के बीच बहुत से राज्यों ने कानून बनाने की बात कही, तो उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने कानून बना के भी दिखा दिया, जिसे 28 नवंबर को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने मंजूरी भी दे दी है। अब कानून बन गया है तो उत्तर प्रदेश की पुलिस भी एक्शन में नजर आ रही है, और बरेली में इस कानून से जुड़े पहले मामले को भी दर्ज कर लिया गया है। उत्तर प्रदेश में लव जिहाद से जुड़े कानून को 28 नवंबर को मंजूरी मिल गई थी, जिसके बाद वहां की पुलिस का एक्शन मूड एक्टिव हो चुका है और उन्होंने जबरन धर्म परिवर्तन से जुड़े पहले मामले को दर्ज भी कर लिया है। नए कानून से जुड़ा पहला मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जिले का है, जहां आरोप लगाया गया है कि 22 वर्षीय लड़के ने दूसरे धर्म की 20 वर्षीय लड़की के परिवार को धमकी दी, धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बना रहा था। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक आरोपी लड़का उबैस अहमद बरेली का रहने वाला है और फिलहाल इन मामलों के बाद से घर से फरार है। आपको बता दें कि 24 नवंबर को उत्तर प्रदेश सरकार धर्म परिवर्तन से जुड़े मामलों को लेकर अध्यादेश लाई थी, जिसे 28 नवंबर को मंजूरी भी मिल गई। इस कानून के तहत जबरन धर्म परिवर्तन के मामले में दोषी पाए जाने पर अधिकतम 10 सालों की सजा हो सकती है, साथ ही नगद जुर्माने का भी प्रावधान है। तो वहीं इस कानून से जुड़ी बरेली के पहले मामले में भी आरोपी पर पुलिस ने कानून से जुड़ी धाराओं के साथ मामला दर्ज कर लिया है। उत्तर प्रदेश के नए कानून पर हो रहे पुलिस के एक्शन पर आपका क्या सोचना है, ये हमें कमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, ABNN।